अभी आपने सभी ने राजेंद्र जी को सुना, और आज सुबह मैं स्पेशली आपको मिलने आया हूँ। मैं किन्नौर तक आया था, और कल रात को ही राजेंद्र बोस जी ने, सबसे पहले एडीएम साहब जी ने, जब आप स्ट्राइक पे बैठे थे, इन्होंने कहा मैंने सबसे बात कर लिया है। जीवन ने की एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने मुझे बताया कि आप लोगों की समस्या है, ये समस्या जो है हल होना चाहिए। और आपको सभी को पता होगा जब ये रोड बीआरओ को गया था, और स्पीति के कुछ लोगों ने तब भी राजनीति किया था कि ये रोड जो है एनएचआई को जाना चाहिए। आप याद करिए, मैं इस रोड के लिए तब से लड़ता रहा हूँ, तब भी मैंने कहा था ये रोड जो है बीआरओ के पास चले गए, बीआरओ के पास रहना चाहिए। और उन लोग, उन शरारती लोगों के कारण ही ये रोड जो है आज एनएचआई को द्वारा किया है। हालांकि अभी रोड बीआरओ को बीआरओ से वापस नहीं मिला है, ऑर्डर हो गए हैं। इस ऑर्डर में जो है सिर्फ स्पीति का रोड नहीं है, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे इसे पूरे हिमाचल प्रदेश के बहुत से रोड गए हैं, नेशनल एनएचआई को ये रोड सारे वापस चले गए हैं। जब आपको मैंने पिछले साल भी कहा था कि अगर ये रोड चले जाता है बीआरओ से पीडब्ल्यूडी को आता है, तो निश्चित तौर पे आप हम पीडब्ल्यू में एड्रेस करेंगे, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि आप जितने सभी गरीब लोग हैं, आप लोग यहाँ पर लगे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले आप बताइए, ये रोड पीडब्ल्यू के पास था, ये रोड किसके पास गया? बीआरओ के पास। बीआरओ ने हमारा एक भी आदमी एड्रेस नहीं किया, तभी हमने बीआरओ को कहा था। परंतु जब हमने इसको इस बार मैंने कहा, यहाँ आने से पहले एडीएम साहब ने मुझे कहा, पीजी बनेगी राजेंद्र बोस जी, पलजो सरे राकेश, हमारे अध्यक्ष सारे आपके पास मिलते रहे। आपको मैंने कहा था कि रोड चले जाता है पीडब्ल्यूडी को, हम निश्चित तौर पे आप लोगों को पीडब्ल्यू में एडजस्ट करेंगे। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ जब आपको मैंने ये चीज़ सब कुछ कह दिया था। हालांकि आपके बीआरओ में कोई भविष्य नहीं है, सुन लीजिए, बीआरओ में अब 10 साल लगे, 20 साल 25 साल लगे रहो, वहाँ पक्का नहीं होता कोई आदमी, सिर्फ पैसा मिलता है। पीडब्ल्यू में जब आप आएंगे, आप जो है 7 साल या रेगुलर हो सकते हैं, अगर आपका हर साल 180 दिन आप काम करते हो। तो मैं यहाँ पर आने से पहले पूरी तैयारी करके आया था कि हम आपको जो है, जैसे ये रोड अभी बीआरओ के पास है, नोटिफिकेशन हो चुका है, किसके नाम पे हो चुका है? पीडब्ल्यू के नाम पे हो चुका है, पीडब्ल्यू के नाम से हो चुका है। परंतु हम अभी सिर्फ आपको लोगों को लेबर्स के लिए वापस अपने पीडब्ल्यू को इंस्टॉल देना है। जैसे ही ये काम शुरू होता है, हम आपको सबको पीडब्ल्यू में इंस्टॉल देंगे। परंतु मेरे सामने बड़े बड़े प्रश्न आज खड़ा हो रहा है। अब आप देखते हो, मैं लाहौल स्पीति का विधायक हूँ, मुझे काजा जाना आज परमिशन नहीं है। क्या कहते हैं हमारे लोग? आज मैं सुमदो पहुंचा कि सारे स्पीति के काम बंद कर दो, स्पीति में कोई काम नहीं होना चाहिए, सड़क का काम बंद कर दो, आईपीएच का काम बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, ट्रक का सामान गैस नहीं आना चाहिए, सर्दियों में लकड़ी नहीं आना चाहिए, और मारकंडा काजा नहीं आना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? ये ऐसा कभी हुआ है आज तक? और आज जो नारे मारे थे उसमें अधिकतर इंप्लाइज थे, उनका सबका फोटोग्राफ ने ले लिया है, उसे जेबीटी मास्टर थे, अध्यापक थे, उसे पीडब्ल्यू के बेलदार वो लगे हुए थे, वो नारे मारे थे आज सड़कों में। उस बात का मुझे बहुत दुख है, मैं लाहौल स्पीति का व्यक्ति, और मुझे वहां रोका गया। मैं सिर्फ आपको अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।